भाई दुबई मॉल का मसला ये है कि साला बहुत बड़ा मॉल है, कभी भी आज तक पूरा नहीं घूमा भाई। बहुत चलना है यार, अभी तो एक्वेरियम भी नहीं आया है, दुनिया का बड़ा एक्वेरियम कहते हैं। हर शशके दिए हैं भाई दुबई ने। चलो भाई टिकट मिल चुका है हमारा। भैया हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है हम्माद के साथ और कनेक्ट काशान के साथ। और काशान भाई का काशान के साथ बोलो, डी इडियट्स के साथ। अच्छा ये चलो यार, ये डी इडियट्स के साथ और कनेक्ट चैनल। यार आपका एक बंदा नहीं है भाई, दोनों डी इडियट्स, हम दोनों डी इडियट्स। आपका एक बंदा है नहीं अभी, वो भी आ रहा है, पहुंच रहा थोड़ी देर में। यहाँ से ना बहुत सारे गंजे हैं, तो हर गंजे हमें फैसल नजर आ रही है जुनेद अजी है। भाई काशान भाई की ये फरमाइश थी कि इनको बहुत ऊपर जाना है, तो ये बहुत ऊपर जाने की चक्कर में हम ऊपर वाला ऊपर नहीं, बुर्ज खलीफा तक। तो हमाद भाई ने बोला कि भाई बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, तो कौन से तो हम क्यों ना जाएंगे। कौन से फ्लोर पे? 125th फ्लोर पे भाई जा रहे हैं। लेट्स सी, हमें 7:30 बजे का स्लॉट मिल जाए। वीडियो में वो व्यू नहीं आएगा जो हमें लाइव आएगा, लेकिन चले फिर भी 7:30 बजे का फिर स्लॉट है। 7:30 बजे की स्लॉट पकड़नी है। चलो भाई, भाई दुबई मॉल का मसला ये है कि साला बहुत बड़ा मॉल है, कभी भी आज तक पूरा नहीं घूमा। क्यों भाई हमारे साहब आप घूमे? नहीं यार, मैं लास्ट टाइम आया था सही से नहीं घूमा था, लेकिन अभी हमने एक डेडिकेटेड दिन निकाला भाई। अच्छा भाई, तो आप पूरा दिन आप दुबई मॉल घूमेंगे ऐसे ही? बिल्कुल भाई, फुल शॉपिंग वॉपिंग करनी। हाँ भाई, अच्छा ये भाई ये हमारी बड़ी फेवरेट शॉप है, यहाँ से अक्सर जाते हैं। आलिया जी शॉप मुझे अच्छी लगती है अभी चलना, बट यू नो आई एम यूट्यूबर, तो कोई मसला नहीं है कि दुबई मॉल में अगर हर शॉप से भी शॉपिंग कर ली जाती है। मुझे आपको पता है कितना कमाते हैं, अयाशियाँ करते हैं बाहर जाकर, पैसे उड़ाते हैं। आप पे तो बल्कि अभी इल्जाम लग रहे थे कि आप फंड रेज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊँ कि फ्लड डोनेशन से जितने पैसे आए ना, उससे मैं आप दुबई घूम रहा हूँ। लाना था तुम लोगों की सोच पर भाई। यार हम काम से आए भाई, देखो हमारा काम है कंटेंट क्रिएशन, ये ब्रेड एंड बटर है हमारा। सही है, अब वो बोल रहे हैं कि ना तुम ना पिक्चर लगा रहे हो, रील बना रहे हो, सही है, पहली बार दुबई आए हो। अबे भाई काम है मेरा, जैसे तुम काम करते हो ना 9 to 5 उठ के सुबह जाते हो काम करते हो, ये हमारा काम है, हमें इसी से पैसे मिलते हैं। और जो पैसे मिलते हैं फिर हम उसको, अब हमारे ऊपर पर्सन टू पर्सन डिसाइड करता है, डिपेंड भी करता है कि भाई वो आप सारे अपनी जॉब से खुश नहीं है, हम अपने काम से खुश हैं, सिंपल बस ये। तो ये घूमना भी हमारा साथ के साथ चलता है भाई। बहुत चलना है यार, अभी तो एक्वेरियम भी नहीं आया है भाई, मैं सिर्फ अपने पॉइंट की शॉप पे आता हूं जहां से कुछ लेना होता है और उसके बाद निकल वो लेकर आता हूं। 7:05 हो रहे हैं और हमारे का कहना ये है कि 7:30 बजे वाली स्लॉट में किसी तरह चल लो, वरना फिर टाइम लगे। बच्चों के लिए तो आपकी बेटी भी है, अभी आप मेरे ख्याल से कैंडीलिशियस एक शॉप है वहाँ पे भी जाने वाले। हाँ तुम्हारी स्टोरी मैंने देखी थी, कैंडीलिशियस जाऊंगा अपनी बच्ची के लिए कुछ लूंगा। अभी एक्वेरियम आ गया भाई, दुनिया का बड़ा एक्वेरियम कहते हैं भाई। A380 का एक्सपीरियंस करना है आपको तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं और जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप खुद उड़ाएं जहाज। हर शशके दिए हैं भाई दुबई ने। यार वैसे बड़े बेशरम आप दोनों आए हुए, फैसल को लेके नहीं आए, तो उसके लिए कुछ तो गिफ्ट लेके जाओ, मतलब ये छोटी गाड़ी ले लो फैसल के लिए, इसके लिए और गंदी चीजें ये ले लो। ऊपर वाले फ्लोर से आए हैं हम, तो एक्वेरियम नीचे रह गया। यार वो जो बंदे कूद रहे हैं, जो बंदे कूद नहीं रहे दुबई। अच्छा अच्छा, वो आगे, वो आगे मिलेंगे, आगे है ना। काशान जी यार आपका लेवल है भाई, आप अगर दुबई आए और दुबई मॉल आए और ये नहीं किया तो इनकम्प्लीट है आपका टूर। खास बात बताएं, इसकी खास बात है कि ये जो लटके हुए है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज पे लटके हुए हैं, ऐसी है। अब हम दिखाते हैं आपको क्लोज। भाई समझ आ गए कहाँ लटके हुए थे? बहुत चलना है भाई, बहुत चलना है। चलो भाई हम एक कोने से दूसरे कोने पे तो आ गए, वो हम पीछे आ रहा है भाई। ये हम आ चुके हैं इस वक्त, और हमने हमेशा बाहर से तो बहुत देखा है इसको, बुर्ज खलीफा को, तो अब हम जाएंगे टॉप फ्लोर से देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वहाँ कैसा तीर मारा हुआ है भाई व्यू ने। यार मेरे ख्याल से 2016 में हम लोग आए थे एक दफ़ा, और हम वहाँ पे खड़े हुए फायरवर्क्स देख रहे थे। अच्छा जी, यह है फाउंटेन, यूजुअली यहाँ 6 बजे से शो स्टार्ट हो जाता है और हर आधे घंटे के बाद यहाँ पे शो होता है। अभी हमने फोटो बम कर दिया, आंटी की तस्वीर खराब कर दी है भाई। मुझे लग रहा है 7:30 वाला स्लॉट हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हम गलत जगह से हम आ गए, हमें थोड़ा और यहाँ से आना चाहिए था। और कितना सफर है और पैदल का? 650 मीटर। वो निकल गया भाई, टाइम निकल गया 7:30 वाला। तो ये असद गए भाई, तो पहुंचा भाई, गूगल बता रहा था यहाँ पे आना है, तो ये गेट बंद पड़ा हुआ है। अब कहाँ से जाए भाई? ओहो हो, क्या सीन है भैया? क्वारी गूगल ने बना दिया आपको भाई। दुबई आप लोग जब भी आए ना, गूगल मैप्स नहीं यूज करें, वेज यूज करें। मैं गलती हो गई, डालना भूल गया, वेज ज्यादा अच्छी आता है भाई। अभी पता चला कि मॉल के अंदर से आते हैं, मॉल के अंदर वापस जा रहे हैं। भाई शो देख लेते हैं, छोड़ो है ना भाई, ये शो स्टार्ट हो गया है, फाउंटेन शो। ओह ओह
भाई बस हो गई हमारी, बहुत देख लिया भाई। अब गूगल मैप नहीं, अब ये एरो को फॉलो करना है। ये तो बना रहे थे व्लॉग में, मुझे नहीं लिया। ले लिया टिकट बता देते ना भैया, चौड़े करा दो जरा भाई। अभी एक शेफ मिला पीछे, अनस्टम हो गई। हाउ आर यू, हाउ वाज योर वीडियो? ये जो बंदा खड़ा हुआ था भाई हमाद भाई, यहाँ तो बुर्ज खलीफा पे जो अलबैक वाली लाइन लगी हुई है। अलबैक यार मैंने अभी तक नहीं खाया, चलो अभी खिलाते हैं आपको। कौन सा खलीफा यार? ये छिछोरे हो ना तुम यार, एक ही जोक इतना घिसोगे? सालों हो गए इस जोक। पहले किसने मारा? पहले हमने मारा था बहुत साल पहले, उसके बाद खत्म ही नहीं हो रहा। हर चीज के पाएंगे। मियां नवाज शरीफ से हमने किया था, मियां खलीफा। भैया ये टिकट लेने पहुंच गए हम्माद भाई, अरे हम लोग वेट कर रहे हैं फिलहाल, बड़ी लंबी लाइन लगाई हम लोग। चलो भाई टिकट मिल चुका है हमारा एट द टॉप का, हम चले दोबारा से लाइन में लगने। तकरीबन वेट लगा के ये 150 का पड़ता है टूरिस्ट के लिए, 150 दिरहम। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हम्माद का और असद का, सिर्फ इस वजह से लोग मास्क लेके नहीं आए, हम दोनों का मास्क का अंदर आ रहा है। और अंदर जो है ना जरूरी है मास्क, तो मास्क कैरी करें जब भी आप यहाँ आए। हाँ भाई हम लोगों ने किया क्या है असद के साथ? प्लान ये किया कि भाई जो इसका वेट है ना, वो हमने लगेज रूम में जमा करा दिया, लेकिन उसको ये बोला कि उन्होंने डम कर दिया डस्टबिन के अंदर। अब उसकी हड्डी भी है, फुल हड्डी हुई है। तू भी ऐसी एक्टिंग करी, मैं तो ये बोलूँगा मुझे ब्लॉग नहीं बनाया तो बोलेगा तो क्या बनाओ ब्लॉग। यहाँ तमाम डिटेल्स दी हुई कंस्ट्रक्शन की, कब कब स्टार्ट हुई, 50 लेवल पे 2006 में पहुँच गए थे, 100 पे 2007 में पहुँच गए थे, ये तमाम डिटेल्स इनके पास। देख रहे हैं 150 2007 में पहुँच चुके थे, 2008 में 160 लेवल पे हो गई थी ये बिल्डिंग, मैन मेड वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, और कम्प्लीट हो गई थी 2009 में। भाई आपका वेव गड़वा दिया है काशान भाई ने, कैसा लग रहा आपको? आप दोनों ने गड़वाया। नहीं मैं कहाँ से गड़वा, मेरा खुद गड़वा है। आपका क्या मतलब है? आप तो इनकी वजह से मैं थोड़ी था, मेरे बैग में क्यों डाला भाई? इसका बैग था, बैग की भाई। मुझे लग रहा काशान साहब फाइनली हम वहाँ पे आ गए जहाँ से हमें अब डायरेक्ट 124 फ्लोर पे लेके जाएंगे ये लेफ्ट। मगर यार ये क्या बात है यार, कुछ फैमिली वालों को वहाँ लगा दिया लोगों ने भाई, ज़्यादा पैसे दिए ना आप, ज़्यादा पैसे दे रहे थे आपको आगे लगा देते, इसका तो नुकसान हो गया। खैर हाँ आप बात करें। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप ज़्यादा पैसे देते आपको इसका क्या हुआ? नुकसान। हाँ मैं कह रहा था कि अभी हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, नुकसान। हम और दोबारा लोगे इंशाल्लाह, हम भी उसको सही पिएंगे। चलो चलो भाई, कितने पैसे खर्च किया आपने? यार पता नहीं यार, भूल गया मैं कितने। 150 दिरहम, 150 दिरहम तकरीबन। लाइन लगी हुई है भाई, हर जगह लाइन लगी हुई है, बड़ी बड़ी खुआरी हो गई है। हम थक थक इतना गए कि व्यू अच्छा नहीं हुआ ना, तो मारे हुआ अपना। भैया आ जाओ, और ये रहा भाई व्यू। वो आपके भाई का होटल नजर आ रहा है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ इसका। भाई चलें, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है यार, मजा नहीं आ रहा, बट यार नाइस यार, पूरा दुबई दिखता है आपको, बल्कि शारजा भी दिखेगा आपको। इसके अलावा भी कोई व्यू होगा? ये तो इतना ज्यादा क्यों रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है इसमें? हाँ रिफ्लेक्शन आ रही है, दिन में आना चाहिए यार तुम्हें, दिन के अंदर फिर पूरा व्यू आता है। ये देखो ये जूम आ रहा है भाई, ये जूम आउट। तुम्हारे होटल में देखते हैं बहुत ज्यादा कर दिया आपने जूम, माशाल्लाह। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? नहीं अभी नीचे आई गेस कैफे भी है कोई, नीचे का अलग व्यू आ जाओ भाई। ये है 150 दिरहम का ये व्यू, बहरहाल अच्छा है, पूरा आपको दुबई दिखता है इससे। बट ये कि रात के टाइम रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है, सो नॉट रिकमेंडेड, मतलब रात के टाइम ना आए, फोटोग्राफी जहरीली ना होगी भाई। हम अच्छे व्यू के लिए दूसरे लेवल पे आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे, इससे नीचे जहाँ पे हम थे वहाँ से नीचे देखते हैं वहाँ का व्यू क्या था। हम पहले वहाँ थे, अब हम थोड़ा सा नीचे आ गए, ये ओपन एरिया थोड़ा सा एक स्टेप नीचे, हमें लग रहा है हम गलत जगह पे आ गए थे, ये जगह ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। रिफ्लेक्शन कम ही नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है तो तस्वीरें अच्छी आएंगी। ये रहो भाई तस्वीरें, हाँ भाई सुकून आ गया आपको? आपको आ गया सुकून? इनको इनको सुकून नहीं आया, इनके साथ बड़ा मसला हो गया। सुकून आ गया आपको भाई देख के? व्यू भूख लग रही है। चलो भाई अब भूख लग रही है, तो हमने देख लिया भाई 125 फ्लोर पे आके ऑन द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, हालांकि बुर्ज खलीफा अभी टॉप नहीं है, टॉप उससे भी ऊपर है भाई। 48 कितना मंजिला है ये?
यार ये 150 यानी 150 ये ज्यादा ही है, 160 से भी ज्यादा है, 172 है आखिर ये। लेकिन तुमने यहाँ से अपना होटल दिखाया है? हाँ ना, होटल वहाँ वो नजर आ रहा है, वो देखो गोल्डन कलर का वो दिख रहा सिर्फ। चलो जी, हमें दीजिए इजाजत, ये था एक छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अपने बन के साथ की अपने बहुत अल्लाह वो लगा दे अल्लाह। जान में जान आई, नहीं 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 जी, आप बन गए कैसे देते हो, आपका ट्रिप हमने बर्बाद कर दिया। नहीं 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 नहीं, हमने यहाँ लगेज भी जमा कराया यार, आप हमें क्या समझ रहे थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमें कह रहा हूँ यार तुमने दिमाग नहीं यूज किया, अच्छा प्रैंक किया हमने, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल।